क्या हो गया, मेरे सर पर क्यों टहल रही हो? बैठ जाओ एक जगह भाई। पता नहीं क्यों महमूद, मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने वरीशा को कॉल की थी, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो तुम उसे कॉल क्यों कर रही हो भाई? क्यों उसे डिस्टर्ब कर रही हो? तुमसे बात क्यों करेगी? सैर तफरी करने तो गई नहीं, जरूरी काम से गई है। तुमसे बातें करेगी तो अपना काम कैसे करेगी वो? महमूद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम उन लोगों को नहीं जानते। और वैसे भी मैंने कल वहाज की आंखों में अपने लिए और वरीशा के लिए बहुत नफरत देखी है। वो उसे कभी वहां रहने नहीं देगा। वो तो बचपन में ही वरीशा से इतना हसद करता था, अब तो उसे वो बिल्कुल वहां बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाज बचपन में कैसा था, अब कैसा था, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, वरीशा अगर कुछ करने की ठान लेना तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अभी तो महज मेरे कहने पर वो वहां गई हुई है। जिस दिन ये काम उसने अपनी मर्जी से किया ना, तो उन लोगों की नाक में वो नकील डाल देगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे वहां से हिला नहीं सकेगी। प्लीज खुदा के लिए उसे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो।